से 40-50 बरस पहले, मतलब आले सऊद ने एक मरतबा कहा कि हम खबर को मुंतकिल करना चाहते हैं हजरत अब्दुल्लाह की। अब तमाम मीडिया वाले पहुंचना चाहते थे कि क्या होगा, कैसा होगा, कब्र आयब हो जाएंगे, कुछ किस तरह से बेहरमती ना हो। तो यहाँ तक है कि बहुत से लोगों ने कहा कि कफन मोटे कपड़े का था, जो पुराना कपड़ा होता था, आपकी रिश मुबारक के बाल तक नहीं झड़े थे और वैसे ही बच्चियों खूबसूरत थे, जैसा बताया जाता है कि जनाब अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे ख़ानदान में, बहुत खूबसूरत थे। तो कब्र को मुंतकिल करने के बाद बताया नहीं गया, लेकिन अम्बिया और आइम्मा अलैहिस्सलाम की कब्रों को खोदना गुनाह ने कबीरा में से है। अब ये उसी को समझाया जा सकता है जिसमें ईमान हो, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला से मुताल्लिक़ के भी 1400 साल बाद जब कब्र मुतहर को खोला गया तो आपका चेहरा वैसा ही नूरानी था, रिश मुबारक वैसी खूबसूरत थी जैसा तारीख ने लिखा है कि आप वजीह थे। जब चलते थे तो लोग रुक के पूछते थे ये आसमान से नाजिल हुए या ज़मीन की मखलूक है। जिस वजूद के अंदर जनाब हबीब खुदा से वाबस्तगी हो वो ऐसा हो जाता है। अज़ान गिरामी, अजदाद में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जनाब अब्दुल्ला के मुताल्लिक़ मिलता है कि सबसे ख़ानदान में खूबसूरत, फिर हज़रत हमज़ा, और फिर बाद में जिस ख़ानदान में सब खूबसूरत हो। जुमला कह गया, जहाँ सब खूबसूरत हो, कि खुद सहाबा पूछते थे या रसूल अल्लाह आप कहते हैं कि कायनात में सबसे खूबसूरत यूसुफ गुजरे थे, हम जब आपको देखते हैं तो जो मुशरिक भी देख के जाता है वापस आके पूछता है यही मोहम्मद है, इतने खूबसूरत हैं आप। कहा अगर मेरा भाई यूसुफ भी मेरे साथ चले तो लोग उसे नहीं देखेंगे, मुझे देखेंगे। कहा या रसूल अल्लाह क्यों? कहा मुझ में कशिश ज़्यादा है, अना अजदब मिन्हु, मुझ में जज़ाबियत कशिश ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। कहा कि या रसूल अल्लाह पैगंबर इतने खूबसूरत, और रसूल इस्लाम ने फरमाया या अली अंसा का बदर दुजा, आपका चेहरा चौधरी के चांद जैसा। हबीब खुदा ने फरमाया, हबीब खुदा ने फरमाया अली आपका चेहरा चौधरी के चांद की मानंद है। और फिर पैगंबर इस्लाम ने इमाम हसन हुसैन के नाम रखे, हसन हुसैन जो निकले ही हुसन से है, हसन भी हुसन से, हुसैन भी हुसन से, सोचे कितने खूबसूरत होंगे। जिस घर में सब खूबसूरत है वहां एक ऐसी हस्ती है जिसे अली कह रहे हैं हाजा कमरो बनी हाशिम। जहां पूरा खानदान खूबसूरत है, जहां इतने इतने खूबसूरत हैं कि हर आदमी पूछता है ज्यादा खूबसूरत कौन है, लेकिन वहां अमीरुल मोमिनीन का है। मौला के चंद अल्काब हजरत अब्बास के, अगर 5 मिनट जहमत दूंगा हजरत अब्बास के, चंद ऐसे अल्काब हैं जो खुद अमीरुल मोमिनीन ने दिए हैं, कुछ ऐसे अल्काब हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिए, बाद वाले आइम्मा ने दिए अलकाब, लेकिन कुछ ऐसे अलकाब हैं जो खुद हजरत अमीर ने जनाब अब्बास को दिए। उनमें से पहला है कब्र बनी हाशिम। हाँ था, जब किसी ने कहा ना या अली कोई बिल्कुल आपके हुलिये में, जैसे आप अमामा बांधते हैं, आप तहतो हनक निकालते हैं, अपने चेहरे को छुपा के जंग करते हैं, मौला से किसी ने पूछा था कि आप चेहरा ढांप क्यों लेते हैं, सिर्फ आंखें नजर आ रही होती। कहा कि जब धूल उड़ती है तो अजियत देगी, इसलिए मैं सिर्फ आंखों को छोड़ के पूरा चेहरा अपना अपना मौला तहतो हनक निकालते, चेहरे को ढांप लिया करते थे। जब जंग कर रहे होते थे तो मुअर्रखीन ने लिखा कि मौला की आंखें सिर्फ नजर आ रही होती थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, जब देखते थे तो अगले का पित्ता पानी हो जाता था, हैबत तो जलाल ऐसा था, देखते थे आंखों से कत्ल कर दिया करते थे। यानी बिल्कुल कोई आपके अंदाज से उसी तरह चेहरे पे नकाब डाले हुए, आप की तरह शमशीर ले हुए, वैसी आंखें हैं। मैदान सिफीन में चला गया, मेरे मौला मुस्कुराए, कहो उससे कहो अली ने बुलाया। जब वापस आए तो दूर से आ रहे थे, जनाब अब्बास की जुल्फे बहुत तवील थी, स्याह बाल थे, आंखें बहुत खूबसूरत थी, तो अभी चेहरे पे नकाब था, कुछ बाल चेहरे पे जरा गोरा था। मौला ने दूर से देखे कहा हाजा कमरो बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का कमर है, ये बनी हाशिम का चांद है। तो जनाब अमीर ने कहा कमरो बनी हाशिम, और बाबुल हवायत भी खुद जनाब अमीर ने कहा, लकब ये जनाब अमीर, चार बाबुल हवायत है, लेकिन हजरत किताब का नाम है कमरे बनी हाशिम, लिखने वाले हैं अब्दुल्ला शेख अली रब्बानी खलखाली, 2 जिल्दों में किताब है, उन्होंने अलकाब की बहस की है। वो फरमाते हैं बाबुल हवायत खुद मौला ने कहा हजरत अब्बास, घबरा तो नहीं रहे। तो जाने गिरामी हजरत अब्बास जिस वजूद के मालिक हैं कि हर इमाम ने उनका नाम लेके तारीफ की है, और मेरा मौजू भी अजदाद है तो उसमें माओ से मुतालिक एक जुमला पेश कर दूँ, जो सबसे पुरबरकत
सबसे ज़्यादा बाअज़मत, सबसे ज़्यादा पाक दामन, सबसे ज़्यादा बातकवा बीबियाँ थीं, अल्लाह ने उन्हीं का इंतखाब किया। हज़रत सारा नबी की बेटी हैं, नबी की ज़ौजा हैं, नबी की माँ हैं, नबी की बहन हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा सारा आपसे एक बीबी अफजल है तकवे में, नाम है हाजरा, क्योंकि आपसे अफजल है। अब वही अजदाद रसालत माँ में आएंगी, माओ में जब आएंगी तो हज़रत हाजरा, पता नहीं मैं बात पहुँचा पाया हूँ या नहीं पहुँचा पाया। अब सोचिए जनाब उम्मुल बनीन का मकाम क्या होगा। अब सोचिए कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम सवाल करें, अरे मौला से ज़्यादा कोई दुनिया में जानने वाला था, ये सवाल करके मौला दुनिया को पैगाम भिजवा रहे हैं, मैं अकील से पूछ के तुम्हें समझा रहा हूँ कि सोचो मुझे कितना शौक है कि अब्बास जैसा वजूद मुकद्दस, वो अमीर उल मोमिनीन जिनके हसन हुसैन जैसे बेटे हों, वो तहज्जुद में दुआ मांगे परवरदिगारा एक ऐसा बेटा दे जो करबला में मेरी नुमाइंदगी कर सके। मुझसे दरख्वास्त की गई थी कि चंद जुमले में हज़रत अब्बास से मुतालिक पेश कर दूँ, तो हज़रत उम्मुल बनीन नाम फातिमा है, मैं पेश करूँगा, कुछ और मेरे साथ अगर साथ देंगे। हज़रत उम्मुल बनीन का नाम भी फातिमा है, नाम फातिमा है। फातिमा के अलावा ख़ानदान बहुत बड़ा, हिज़ाम सरदार थे बहुत बड़े अपने कबीले के, उनकी बेटी हैं हज़रत उम्मुल बनीन। इनके भाई मामू अजदाद बहुत जंगजू शुजात थे, दो चीज़ों में मशहूर थे, शुजात में और वफादारी में। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इसलिए इजहार किया था जनाब अकील से ताकि मालूम हो जाए मैं किन सिफात को देख रहा हूँ आने वाले में, कहा मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो शुजा भी हो और वफादार भी। दुनिया में जब भी मिसाल दी जाती है तो हज़रत अब्बास ही की मिसाल दी जाती है, तो कहा कि ऐसा बेटा चाहिए जो वफादार हो। कहा फिर इस ख़ानदान से बेहतर ख़ानदान में जब आई ना जनाब उम्मुल बनीन, तो जनाब अमीर ने आवाज़ दी का फ़ातिमा, तो जनाब उम्मुल बनीन ने सुना, फिर बीबी के बेटों को और बेटियों को देखा और एक मर्तबा जनाब अमीर से दरख्वास्त की, कहा मौला कुछ दरख्वास्त कर सकती हूँ। कहा उम्मुल बनीन क्या दरख्वास्त है, क्या बात है। कहा मौला मुझे आइंदा फ़ातिमा ना कहिएगा। कहा आपका नाम फातिमा है। कहा लेकिन जब आप कहते हैं ना फातिमा, तो मैंने देखा है कि बीबी के सारे बच्चे, दोनों बेटे दोनों बेटियां फौरन माँ को तलाश करने लगते हैं, उनकी आंखें तड़पने लगती हैं, बस फातिमा सुनते हैं जैसे आंखें प्यासी हैं, फौरन माँ को तलाश करती हैं। तो कहा मुझे फातिमा ना कहिएगा। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे, मौला ने कहा फिर आज से मैं आपको लकब दे रहा हूँ उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन यानी बेटों की माँ, शेर जैसे बेटों की माँ। बीबी के चार बेटे हैं, चारों मैदान करबला में शहीद हुए हैं। जब जा रहे थे ना करबला के लिए, तो बीबी ने एक जुमला कहा था, अब्बास जाफर अब्दुल्ला उस्मान सबको बुलाया, कहा मेरे बेटो अगर तुम में से कोई मारा गया ना, मैं कहूंगी मेरा एक बेटा कम था, लेकिन जहरा के लाल पे आंच ना आए मैं कभी दूध नहीं बख्शूंगी। मेरी सारी औलाद कुर्बान हुसैन इब्ने अली में। दो दिन से मैं मसायब पेश कर रहा हूँ, मैं हर रोज और करता हूँ, परसों भी चंद अफराद बेहोश हो गए थे, अभी सारी लाइट ना बुझाइएगा, मैं चंद जुमले ऐसे पेश करूँगा जिसमें मुझे ज़रूरत है दिखाने। अगर सुनेंगे आज तो मैं हज़रत उम्मुल बनीन से मुतालिक मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ूँगा, मेरा वादा है आपसे। मैंने दोनों दिन गौर किया है कि बहुत से नौजवान बहुत से बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं कर पाते, सुनेंगे आज। आज मैं जनाब उम्मुल बनीन से मुतालिक जुमले पेश करना चाहता हूँ। जब बीवी को ख़बर मिली ना, बशीर इब्न जज़्म ने ऐलान किया मस्जिद नबवी में, अला या अहले यसरिब ला मुकाम लकुम बिहा क़त्ल हुसैन व करबला, ऐ मदीने वालों अब मदीना रहने लायक नहीं रहा, नवासा रसूल हुसैन मारा गया। अलबत्ता उन्होंने नहीं कहा नवासा रसूल हुसैन, कहा हुसैन क़त्ल हुसैन व करबला, हुसैन करबला में मारे गए। बीबी ने जैसे ही सुना ना हुसैन करबला में मारे गए, फौरन अपने पोते को बुलाया, सात बरस के थे, कहा मुझे फौरन मस्जिद नबवी ले चल। बीबी की आंखों में मोतिया उतर आया था, उस वक्त बीबी देख नहीं पाती थी, हाथ में असा लिया, सर पे बुरका लिया, पोते के कांधे पे हाथ रखा, कहा मुझे मस्जिद नबवी ले चल। एक मरतबा मस्जिद नबवी में आई और आने के बाद एक जुमला कहा, कहा बशीर ये कौन सा हुसैन मारा गया। जैसे सवाल किया ना कौन सा हुसैन मारा गया, तो बशीर ने पलट के कहा, कहा बीबी आपको नहीं मालूम नवासा रसूल हुसैन मारा गया, अली का लाल हुसैन मारा गया।
जहरा के दिल का चैन हुसैन पाक। जुमला सुनना था जनाब उम्मुल बनीन से रहा ना गया कब बशीर, लेकिन मैं कैसे मानूं अब्बास के होते हुए हुसैन मारा गया। तो बशीर ने कहा नहीं बीबी आपने गलत सुना, पहले अब्बास मारे गए बाद में हुसैन मारे गए। अब बीबी से रहा ना गया फौरन का कहा बशीर मैं कैसे मानूं अब्बास जंग ना कर सका। तो बशीर ने पलट के कहा अगर देख सके मेरी तरफ तो देखिएगा, मैंने इसी में कहा था भी रोशनी ना बुझाएं, अगर देख रहे जो देख रहे हैं वो देखेंगे कुछ हाँ जोड़ के कह रहा हूँ मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा बशीर ने कहा जब कहा ना बीबी ने कि क्या अब्बास जंग ना कर सका, कहा बीबी जब अब्बास के सर के पुश्त में गुर्ज लगा ना लोहे का गुर्ज था वो घोड़े की जीन पे संभल नहीं सका जमीन पे गिर गया, जैसे कहा ना कि जमीन पे गिर गया। अभी भी बीबी नहीं रोई का बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा, मैं अब्बास की माँ हूं, अब्बास शेर था, अब्बास अली का बेटा था, मुमकिन ही नहीं है अब्बास गुर्ज का मारना रोक सके। बशीर अब्बास जो है कि गुर्ज को दो उंगलियों से फेंकता था, मैं नहीं मान सकती कि अब्बास गुर्ज को ना रोक सका। जब कहा ना कि गुर्ज के बाद एक मरतबा बशीर ने जवाब दिया कहा बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा उनके बाजू में अजरक को बना अजरक को बना जहां तक आवाज है आज सब जब गुस्सा देंगे ना तीन बीवियों को गुस्सा दीजिएगा, पहली जनाबे उम्मुल बनी माँ को कुर्सा दीजिएगा बेटे का, दूसरी बीबी जनाबे ज़ैनबे कुबरा बीबी को बड़ी मोहब्बत थी हजरत अब्बास, और तीसरी जनाबे सकीना बिन्त। अब जुमला मैं पेश कर रहा हूं अगर बर्दाश्त कर पाए क्या कहा जनाबे उम्मुल बनीन ने, एक मरतबा जब सुना ना कि जनाबे अब्बास के बाजू नहीं थे बीबी का आसा हाथ से छूट गया, बीबी जमीन पे बैठ गई बुलंद आवाज से रोती जाती थी कहती जाती वाह अब्बास वाह मज़लूमा वाह गुरबता, बुलंद आवाज से रो रही बीबी चीखे मार मार के रोने लगी। अब बशीर से रहा ना गया कभी भी क्या बात है आपसे बर्दाश्त नहीं हुई बेटे की शहादत, कहा नहीं बशीर लेकिन तूने मेरा कलेजा छलने कर दिया, बशीर मेरे सारे बेटे हुसैन पे परवाह, मुझे इस बात का इतना अफसोस नहीं लेकिन एक बात का बहुत अफसोस। बीबी किस बात ने रोला दिया, कहा बशीर जब कोई शाह सवार गिरता है ना वो हाथों का सहारा लेता, बशीर तू कह रहा जब मेरा बेटा गिरा उसके बाजू नहीं थे, बशीर मैं सोच ये रही थी जिस बात ने मुझे रुलाया जब मेरा बेटा गिरा होगा उसका चेहरा पहले लगा था या उसका सीना लगा। अजरक मेरा मैं भी मसाया पढ़ूंगा, कोई बुखल ना करे आज कोई बुखल ना करे, आज अलम बरामद होगा ना तो कहिएगा बीबी उम्मुल बनीन आपके बेटे का बड़ा सदमा है, क्या किया जनाबे उम्मुल बनीन ने, आवाज दी पोते को कहा जरा कुछ देर के लिए मुझे जन्नतुल बकरी ले जा। सुनेंगे जैसी बीबी जन्नतुल बकरी आई ना एक कब्र की पांती में बैठ गई, कहा बीबी मेरे अब्बास को माफ कर दीजिए, बीबी मेरे अब्बास ने बेवफाई नहीं की थी, बीबी पहले मेरा अब्बास मारा गया बाद में आपका हुसैन मारा गया, बीबी लेकिन आपको आपके हुसैन का पुरसा देने आई और माफी मांगने आई हूं आपकी बेटियों का पर्दा नहीं बचा क्योंकि मेरा अब्बास नहीं रहा था। अजरक उमर अल्लाह अजरक उमर अल्लाह सुने मैं भी पढ़ूंगा 5 से 10 मिनट की जहमत और अगर बर्दाश्त कर पाए।
अल्लाह गिरामी जनाब उम्मुल बनीन उठी, कहा कि मुझे जनाब ज़ैनब के पास ले चल। पोते से कहा मुझे जनाब ज़ैनब के पास ले चल। आई जनाब ज़ैनब के पास, फौरन आके कहा कब बीबी मैं आपको हुसैन का पुस्सा देने आया। जनाब ज़ैनब तड़पने लगी, रोने लगी, कहा अम्मा मैं आपको अब्बास का पुस्सा देती हूँ। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा बीबी मुझे अब्बास का पुस्सा ना दो, मुझे हुसैन का पुस्सा दो, मेरे सारे बेटे हुसैन पे कुर्बान। जनाब उम्मुल बनीन आपकी अस्मतों को सलाम। बीबी लाखों दुरूद तो सलाम आपकी अस्मतों को। बस भाई बीबी की मर्सी के दो जुमले सुन लीजिए। हर रोज सुबह बीबी जन्नतुल बकिया आ जाती है, अपने हाथ से चार कब्रें बनाई बीबी ने। कहती मेरे चार बेटे थे कर्बला में मारे गए, ये मेरे चारों बेटों की एक कब्र है। फिर कहती हो मेरे शेरों मैं तुम पे गिरिया नहीं करूँगी क्योंकि तुम्हारी माँ यहाँ पे मौजूद है। फिर एक पांचवी कब्र बनाती, कहती ये मेरे मौला हुसैन की कब्र है। कहती मौला मैं आप पे गिरिया करूँगी क्योंकि आपकी माँ नहीं है। फिर कहती हो कर्बला से आने वालों मुझे इतना बता दो क्या अभी भी फरात पे पहरे हैं या कब्रों पे पानी डाल दिया। बस भाई तमाम कर रहा हूं, चंद जुमले सुन लीजिए, चंद जुमलों के जहमत। एक बहुत बड़े आलिम थे, कर्बला में मजलिस पढ़ रहे थे। मजलिस पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये रिवायत पढ़ दी, और रिवायत है कि जब जनाब अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए तो ऊपर साथ का कोई आगे बढ़ो अब्बास को मार दो। कहा नहीं ये शेर है उनसे कोई आगे नहीं जा सकता। कहा फिर कैसे मारेंगे। कहा जितने तीर अंदाज है सबको बुला। कहा जनाब अब्बास अभी भी सवार थे बाजू नहीं थे, उन सब ने तीर लगाए और चलाने लगे। पूरे जिस्म में तीर पेवस्त हो गए, सीने में तीर थे। जब तीर लग रहे मेरे देखिएगा, जब तीर मार रहे थे ना तो अचानक वो रिवायत पढ़ दी कि एक तीर जनाब अब्बास की दाहिनी आंख में लग गया। दाहिनी आंख में तीर लग गया जनाब अब्बास की। ये जुमला कहा इमाम हुसैन के हरम में नमाज पढ़ाते थे आयतुल्लाह ये शेख याहिया यसरवी, वो बेहोश होके गिर गया। जब होश में आएगा बुलाओ सालिम को, बुलाओ साकिर को। कहा क्यों रिवायत पढ़ी। कहा आगा किताबों में है। कहा आइंदा ना पढ़ना, मैं तो बेहोश हो गया था, अगर कोई कमजोर दिल का होगा वो मर जाएगा, आइंदा ना पढ़ना ये रिवायत। लेकिन आयतुल्लाह याहिया यसरवी कहते हैं मैं उठा और हरम हजरत अब्बास में गया। कहा मौला मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके जाकिर को मसाइल पढ़ने से मना कर दिया, लेकिन मौला मुझे पता नहीं रिवायत मुस्तनद है या ज़हीफ है, पता नहीं आपके तीर लगा था नहीं लगा था। आयतुल्लाह याहिया यसरवी कहते मैं उस रात घर गया, मैंने ख्वाब में हजरत अब्बास को देखा। कहो शेख तूने क्यों रोका मेरे जाकिर को। कहा मौला मुझे पता नहीं आपके तीर लगा था नहीं। कहा मेरे रोने वालों से कहना मेरी दाई आंख में तीर लगा था। बस मैं आपसे बर्दाश्त नहीं ना हो रहा, सुनेंगे मेरी तरफ देखिएगा। मैं हाथ जोड़ के आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं। अब मेरे सीने में ताकत नहीं पढ़ने की, आप में ताकत नहीं रोने की। जनाब अब्बास ने कहा शेख याहिया यसरवी मेरे रोने वालों से कहना मेरी दाई आंख में तीर लगा था, लेकिन मेरे रोने वालों से पूछना अगर आंख में बाल भी चला जाए आदमी फौरन साफ करता है। तो मेरी आंख में तीर लगा था लेकिन मेरे बाजू नहीं थे, मैं तीर कैसे निकालता। मेरा बाजू नहीं थे, मेरे घर देखिएगा। मौला कहते मैंने सर को झटका, मैंने सर को बहुत झटका, तीर नहीं निकला। फिर मैंने सर झुकाया, दोनों घुटनों से तीर को पकड़ा, एक मर्तबा तीर को घुटनों से खींचा, जब तीर निकला मेरी आंख में तकलीफ महसूस हुई। जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने अपने भाई को बुलाया, आका मौला मेरी मदद को आओ, मेरी आंख में बड़ा दर्द है। बस भी अलम बरामद हो गया। मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, जब भी बाबुल हवाइज को वास्ता देंगे तो मौला के दो वास्ते बल्कि तीन वास्ते, एक तो उनकी माँ का वास्ता,
जनाब अब्बास को माँ से बड़ी मोहब्बत थी। अगर दुआ पूरी ना हो गई, मौला आपको आपकी माँ का वास, हमारी दुआ को रद्द ना कीजिएगा। आज सारे जहूर इमाम ज़माना की दुआ मांगिएगा। दूसरा किसका बहुत ज़्यादा मौला को पास था? जनाब ज़ैनब का। लेकिन तीसरा पास किसका था? मैं जिस जुमले के साथ आपको ज़ियारत के लिए कहूँगा, जब मैं मुकम्मल कर तो सब खड़े हो जाएंगे, ज़ियारत कर लीजिएगा। किसका पास था? 3.5 बरस की बच्ची। जब मौला हुसैन अलम लेके वापस आए थे ना जनाब अब्बास का, तो बीबी ने सवाल किया, बाबा आप अलम क्यों लेके आए, मेरे चचा अब्बास कहाँ? तो मौला ने नहीं बताया, शहादत हो गई। कहा बेटी वो फरात के किनारे सो गए। जब शाम गरीबा आई ना और शिमर ने बीबी को तमाचा मारा, बीबी ने फौरन फरात का रुख किया, कहा चचा अब्बास आ जाओ, चचा वापस आ जाओ, इस मलूम ने मुझे तमाचे मारे। रो रही है सोच कर, रो रही है सोच कर, उम्मुल बनी ये आज भी, रो रही है सोच कर। असगरे बशीर जैसी घुर है अब्बास की, असगरे बशीर।